94.1 रेडियो करंट से मैं हूँ रेडियो वाला कपिल और इस वक्त मैं हूँ विश्व कैंसर सम्राट डॉक्टर आर के गुप्ता के साथ क्योंकि आज है वर्ल्ड कैंसर डे। सो सबसे पहले सर आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये टाइटल दिया अमेरिका ने। बहुत बहुत थैंक यू कपिल जी। और सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर कैंसर होता क्यों आज के दिनों में। कपिल जी मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ और मैं समाज को भी बता देना चाहता हूँ, ये आज जो हमारा खान पीन है ये बहुत ही दूषित हो चुका है। अगर मैं अन्न को ही ले लूं तो अन्न हमारा इतना दूषित हो चुका है कि इसके अंदर सारा पेस्टिसाइड रसायनिक दोनों चीज इसके अंदर भरमार हो गई है। बिल्कुल। सो सर सबसे पहले आप ये सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि वो अपनी डेली रूटीन में चेंजेस लाएं और ये फास्ट फूड जंक फूड छोड़ के अपना प्रॉपर खाना खाएं, राइट? सो उसके बाद मेरा सर अगला सवाल ये है कि कहते हैं कि कैंसर हो जाए सो प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना चाहिए और इलाज बहुत महंगा है, सो सर क्या कहना चाहेंगे इस पे आप जी? इससे पहले कपिल जी मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं, मैं जहां भी मिलता हूँ जहां भी घूमता हूँ तो आम पब्लिक का व्यक्ति ये कहता है कि डॉक्टर यह कैंसर है क्या चीज जी? तो मैं इसको बहुत छोटी सी परिभाषा में आपको बता देता हूँ। तो इसके मैं तीन कारण बताना चाहूंगा कि ये मानव शरीर करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है जी। और ये कोशिकाएं बहुत ही नियंत्रित और नियमित तरीके से बढ़ती हैं और शरीर का विकास करती हैं। अगर यही कोशिकाएं अनियंत्रित और अनियमित रूप से बढ़ना शुरू हो जाए तो शरीर में एक मांस का विकास न हो करके ये ट्यूमर के रूप में पैदा हो जाता है और इसी ट्यूमर को हम कैंसर कहते हैं। मैंने पाया है कि एक स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया गले के अंदर हर समय विद्यमान रहता है। ओके। और इसे गले से अपनी खुराक मिलती है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का गला सूखने लग जाता है और जब वो गला इतना खुश्क हो जाता है तो इस बैक्टीरिया को अपना भोजन नहीं मिलता है। जब भोजन नहीं मिलता है तो यही बैक्टीरिया ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाता है और ये पूरे शरीर में फैल जाता है। जब ये पूरे शरीर में फैल जाता है तो ये मांसपेशी के ऊतकों पर अपना एक एक्सोटॉक्सिन नाम का एक छिड़काव कर देता है और उस छिड़काव के कारण ये सारे व्हाइट सेल्स और ऊतक नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये पूरे शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देता है तो ये शरीर पर हावी हो जाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है तो शरीर के अंदर कैंसर पैदा हो जाता है। इस तरीके से कैंसर की पहचान है। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि लोगों किन किन लोगों को कैंसर हो सकता है। देखिए, जो लोग जीवन में बहुत ही शांत तरीके से बैठे रहते हैं, चुपचाप रहते हैं या चिंता में डूबे रहते हैं या हंसते नहीं है या किन्हीं कारणों से उनको हंसना नहीं मिलता है या स्वच्छ वातावरण हवादार वातावरण जिनको रहने को नहीं मिलता है, खाना जिनको शुद्ध नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को कैंसर होने के चांस अधिक है। या जो इनके अंदर बुरे शौक हो जाते हैं जैसे तंबाकू है, गुटखा है, छेनी है या और भी शराब है या और भी नए नए किस्म के तरीके के विषैले पदार्थ उपयोग करते हैं, उन लोगों को कैंसर होने के चांस अधिक रहते हैं। जैसे मैं एक तरफ से लेता हूं, ठीक है, जिन व्यक्तियों को सर में असहनीय दर्द हो, उनको ये लगा कि मेरे इस दर्द की वजह से सर के दो टुकड़े हो जाएंगे और उनको दौड़े पड़ने लगे, जी मिचलाने लगे या उल्टी होने लगे, तो ये बिल्कुल विश्वास के साथ आप मान लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को दिमाग का कैंसर होने की संभावना बन चुकी है। तो ऐसे लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरा आते हैं, इसका एक बहुत बड़ा पहचान है, मान लो किसी के फेफड़ों में गांठ है और उन व्यक्ति को न तो शरीर में दर्द होता है और न ही खांसी आती है, तो ये मान लें कि उनको निश्चय फेफड़े का कैंसर तैयार हो चुका है। इसी प्रकार आगे हम आते हैं एब्डोमेन पर आते हैं, तो जिन लोगों को भूख बहुत कम हो जाती है या जिनकी
मल जो है त्यागने में बड़ी कठिनाई होती है या मल बहुत टाइट हो जाता है, इसी प्रकार मूत्र त्यागने में बड़ी दिक्कत होती है, मूत्र जलन के साथ आता है, पीला आता है, बदबूदार आता है, गाढ़ा गाढ़ा आता है। तो आप ये मान लें कि ऐसे लोगों को लिवर का, गाल ब्लैडर का, आंतों का या मल द्वार का कैंसर हो सकता है। अब मैं कोई उपाय भी बताता हूं। देखिए, अगर ये किसी को लक्षण दिखाई दे तो इसके बचा जा सकता है, बगैर दवाओं के भी कैंसर रोगी अपना इलाज कर सकते हैं। ऐसे लोग खाना बहुत कम करते हैं, अगर खाना बिल्कुल ही बंद कर दे तो बहुत अच्छी बात है। फल खाएं, दूध पिए गाय का, सब्जियां खाएं, सलाद खाएं और अलसी का तेल एक चम्मच नियमित सेवन करें। बिल्कुल। सो सर, जाते जाते एक मैसेज और, लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे रेडियो करंट के? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी आपके FM करंट के लिए कि आप मेरी बात को दूर दूर तक पहुंचाएंगे और समाज इसका फायदा उठाएगा। मैं बाद में भी चलते चलते भी आपको करंट FM को धन्यवाद देता हूँ। सो ये मेरे साथ वर्ल्ड कैंसर डे पर विश्व कैंसर सम्राट डॉक्टर RK गुप्ता। आप सुनते रहिए रेडियो करंट 94.1 FM, बस यही बजने। बस यही बजने।